Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 11, mensuration of class 8, exercise 11.2, question number 6. What is question number 6? Find the area of rhombus whose side is 5 cm and whose altitude is 4.8 cm. If one of its diagonal is 8 cm long, find the length of the other diagonal. Here we have to find the area of a rhombus. So let us draw the figure firstly. We are having a rhombus. What is rhombus? Which is this is a quadrilateral having all the four sides equal. This is a rhombus and each of its side is 5 cm. 5 cm, 5 cm and 5 cm. And whose altitude is 4.8. Iska altitude kitna hai? 4.8. That means iski height kitni hai? 4.8. What is meant by altitude? Altitude means height. तो अगर हमें parallelogram, because rhombus is also a parallelogram, अगर हमें parallelogram की height show करनी है, तो ये height क्या होगी? This will be the height. ये height perpendicular होगी यहाँ से यहाँ तक. तो this height is 4.8 centimeter. अब अगर हम rhombus को as a parallelogram लें, तो we know the formula of to find the area of parallelogram, that is base into height, and because rhombus is also a parallelogram और हमें इसकी height पता है, तो that means इसका base भी पता होगा अगर, तो हम इसको base into height से निकाल सकते हैं और हमें base पता है. What is base? Base अगर हम यहाँ इस side को लें और यहाँ पर ये इसके ऊपर altitude, हम altitude किसी भी side से ले सकते हैं, height जो है किसी भी side से perpendicular height ले सकते हैं. ये perpendicular हमने draw किया है यहाँ से इसके ऊपर. सो दिस इज़ द परपेंडिकुलर हाइट. जब परपेंडिकुलर हाइट है हमारे पास दैट इज़ 4.8 सेंटीमीटर और ये बेस जो हमारे अगर हम इस फिगर को इस तरह से ड्रॉ करें रोम्बस को इस तरह से, तो ये हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि हम हाइट कैसे इसकी ड्रॉ करेंगे. बिकॉज ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल इन ए रोम्बस, ये चारों साइड्स इक्वल हैं, तो इसकी हाइट क्या होगी? दिस विल बी द हाइट. तो ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5 की, बिकॉज रोम्बस को हम कई तरीक़ों से ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस सम में हम अगर इसको इस तरीके से ड्रॉ करें तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि इसकी हाइट गिवन है. तो हाइट इज़ हाउ मच? 4.8 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ द साइड ऑफ द रोम्बस. ये साइड है, ये सारी साइड्स हैं ए बी सी डी जो है, दिस इज़ द नेम ऑफ द रोम्बस. तो अगर ये हाइट है तो बेस कितना है इसका? दैट इज़ 5. सो एरिया ऑफ रोम्बस, यहाँ हम पैरेललोग्राम का एरिया क्यों लगा रहे हैं, हम रोम्बस का एरिया क्यों नहीं लगा रहे, बेस इनटू हाइट क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर हमें हाइट गिवन है. अगर हाइट गिवन है तो उसके साथ तो हमें बेस ही पता होना चाहिए पैरेललोग्राम का, तभी एरिया निकाल सकते हैं, और तो कोई फार्मूला है नहीं. अदरवाइज हम जो रोम्बस है उसके दो डायगनल्स पता हों तो 1/2 इंटू डी 1 इंटू डी 2 करके निकालते हैं. बट हेयर वी नो द हाइट, दैट्स वाई वी आर अप्लाइंग द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बिकॉज रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम. सो बेस इज 5. बेस कितना है? 5 मल्टीप्लाई हाइट. हाइट इज 4.8 सेंटीमीटर. सो वेन वी मल्टीप्लाई दिस विल बी 8 × 5 = 40 and this will be 24. So 24 this is in centimeter, so this will be centimeter square. ये हमारा आ गया area of rhombus. लेकिन अभी ये question ख़त्म नहीं हुआ, आगे है कि if one of its diagonal is 8 centimeter, मान लो इसका एक diagonal 8 centimeter है, then find the length of the other diagonal. अब हमें क्या पता है? हमें area of rhombus पता है और हमें पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल होता है, दैट इज डायगनल 1/2 डायगनल 1 मल्टीप्लाई डायगनल 2. तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एरिया ऑफ रोम्बस. एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी 1 मल्टीप्लाई डी 2. हमने ये फार्मूला यहाँ क्यों नहीं अप्लाई किया? यहाँ इसलिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि हमें यहाँ पर जो दो पार्ट्स गिवन है वो साइड और हाइट है, इसलिए हमने हाइट और साइड को यूज़ करके बेस इनटू हाइट का फार्मूला लगाया. अब
अगर हमें डायगनल की बात की गई है कि एक डायगनल हमें पता है, दूसरा डायगनल निकालना है, तो अगर इस फॉर्मूला में हमें दो तीन चीज़ें हैं, डी वन, डी टू और एरिया, अगर हमें दो चीज़ें कोई सी भी पता है तो तीसरी निकाल सकते हैं. सो वी नो द एरिया ऑफ द रोम्बस. एरिया ऑफ रोम्बस कितना है? 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर. चाहे हम इस फॉर्मूले से निकालें, चाहे इस फॉर्मूले से निकालें, मतलब जब जब अगर हमें दो डायगनल्स पता हों तो हम एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे तो भी यही आएगा. बट हम इसको अभी डायगनल से नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास हाइट है, डायगनल नहीं है, ये मान के चल रहे हैं. दूसरे पार्ट में हमें गिवन है कि वन डायगनल इज 8 सेंटीमीटर, तो एरिया तो हमें पता है इसका कितना है, चाहे हम डायगनल से निकालें चाहे हम बेस इनटू हाइट से निकालें. तो 24 रखा हमने एरिया ऑफ रोम्बस की जगह, और एंड उसके बाद हमने इक्वल टू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई डायगनल 1. व्हाट इज डायगनल 1? दैट इज 8 मल्टीप्लाई डायगनल 2. ये हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है. सो दिस कैन बी कैंसिल्ड. तो 24 इज इक्वल टू 4 डी टू. सो डी टू दैट मीन्स डायगनल 2 इज 24 अपॉन 4, दैट इज 6 सेंटीमीटर. सो दिस इज द नेक्स्ट सेकेंड आंसर ऑफ द, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज हैविंग टू पार्ट्स. इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रोम्बस, एंड इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट द डायगनल, सेकेंड डायगनल, इफ वन डायगनल इज गिवन. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 300 टाइल्स. एक बिल्डिंग है जिसका फर्श है, उसमें कितनी टाइल्स लगी हुई हैं? 3000 टाइल्स लगी हुई हैं. विच आर रोम्बस शेप्ड, और उनकी शेप क्या है? रोम्बस शेप्ड है. एंड ईच ऑफ इट्स डायगनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ. एक टाइल जो है वो, हर टाइल जो है वो रोम्बस की शेप में है, और हर टाइल का डायगनल कितना है? 45 सेंटीमीटर फर्स्ट डायगनल है, और सेकंड डायगनल है 30 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 4. हमें क्या करना है? हमें उस फ्लोर को पॉलिश करवाना है, और हमें कॉस्ट निकालनी है किस रेट पर? एट द रेट ऑफ रुपीज़ 4 पर मीटर स्क्वायर. दैट मीन्स हमें पहले ये पता होना चाहिए कि उस जो वो जो फ्लोर है उसमें कितनी टाइल्स लगी हुई हैं, तभी हम उसका एक्सपेंडिचर उसको पॉलिश करने का निकाल पाएंगे. तो टाइल्स हमारे पास है 300 टाइल्स, और उनका एरिया कितना है ये हमें देखना पड़ेगा. तो अगर हमें एक टाइल का एरिया पता चल जाए तो हम 300 टाइल्स का एरिया निकाल सकते हैं, और जो 300 टाइल्स का एरिया होगा वही फ्लोर का एरिया होगा, और फ्लोर को पॉलिश करने की कॉस्ट हम निकाल सकते हैं. लेट अस डू नाउ वन थिंग दैट फर्स्टली वी हैव द डायमेंशंस ऑफ वन टाइल. एक टाइल की डायमेंशंस हैं क्या हैं? एक टाइल जो है दैट इज़ उसकी शेप क्या है? दैट इज़ ऑफ रोम्बस शेप. तो यहाँ लिखते हैं हम डायगनल ऑफ वन टाइल, या फर्स्ट डायगनल ऑफ द टाइल. ऑफ द टाइल क्या है? फर्स्ट डायगनल D1, एंड D1 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर. And second diagonal of the tile, that is D2. What is D2? That is 30 centimeter. अब अगर हम एक टाइल का एरिया निकाल लें तो हमें 3000 टाइल्स का एरिया निकाल मिल सकता है. सो एरिया ऑफ वन टाइल एक टाइल का एरिया कितना होगा? That will be 1/2 D1 into D2, because हमें दो diagonals पता है. So area of one tile is 1/2 multiplied D1. D1 कितना है? 45. D2 कितना है? 30. तो इससे हम इसको cancel कर देंगे. तो हमारे पास जो area of one tile आएगा that will be 15 × 5 = 75, 7 and 67. 15, 4 = 60, 60 and 7 हमारे पास carry over था. तो 675 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज द एरिया ऑफ वन टाइल. एंड हाउ मेनी टाइल्स डू वी हैव? 3000. सो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स का एरिया कितना होगा? 675 मल्टीप्लाई 3000, दैट इज 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 एंड 122, एंड 3 × 8 = 18 एंड 220, और साथ में ये 3 zeros. तो दिस इज द एरिया ऑफ 3000 टाइल्स. अब जो एरिया 3000 टाइल्स का है वही एरिया फ्लोर का होगा, क्योंकि जितने जो फ्लोर है उसका एरिया अगर इतना होगा तभी तो उसके अंदर इतनी टाइल्स आएंगी. तो इसका मतलब क्या है? 3000 टाइल्स का एरिया हमें मिल गया.
अब हमें पता है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर मीटर स्क्वेयर कितनी है, रुपीज 4. सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर किस रेट पर, एट द रेट ऑफ रुपीज 4 पर मीटर स्क्वेयर. 4 पर मीटर स्क्वेयर कितना होगा, जितना हमारा 3000 टाइल्स का एरिया आया है, दैट इज 2025000. ये एरिया है और एक टाइल पर पॉलिश, एक मीटर स्क्वेयर पर पॉलिश करने का कॉस्ट क्या है, 4 रुपीज. तो इतने मीटर स्क्वेयर पर कितना कॉस्ट होगा पॉलिश करने का, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 0 0 0 4 5 20 करिए, वो 2 4 2 4 8 4 2 8 and 2 8 and 2 10 और यहाँ पर 8 आ गया. तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ रुपीज 4 पर मीटर स्क्वेयर. ये कॉस्ट है, इसको इसलिए हम किस में लिखेंगे, रुपीज में. अगेन वी चेक 0 0 0 4 5 20 एंड कैरी ओवर 2 4 2 8 8 and 2 10 10 का यहाँ 10 पूरा आ गया एंड 4 2 8. सो दिस इज द आंसर. अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हमें क्या गिवन है, दैट इज एट द रेट ऑफ रुपीज 4 पर मीटर स्क्वेयर. कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज रुपीज एट द रेट ऑफ 4 रुपीज पर मीटर स्क्वेयर. और जो हमारा एरिया है ये हमने निकाला है सेंटीमीटर स्क्वेयर में, तो हमारे यूनिट्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए. तो इसके लिए हम पहले इसको मीटर स्क्वेयर में चेंज कर देते हैं. तो मीटर स्क्वेयर में इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2025000 अपॉन इसको हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 meter क्या होता है कि 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter. तो अगर 1 meter 100 centimeter के इक्वल है तो 100 centimeter जो है वो क्या होगा, 1 upon 100 meter के इक्वल. तो हम क्या कर रहे हैं, स्क्वेयर हमारे पास है सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो इसका मतलब 1 meter स्क्वेयर किस कितने सेंटीमीटर स्क्वेयर के इक्वल होगा, इसको डबल टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर 2 बार लेना है हमने. तो 1 meter स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, 10,000 centimeter स्क्वेयर. तो अब हमने क्या करना है, सेंटीमीटर स्क्वेयर को मीटर स्क्वेयर में चेंज करना है, छोटे से बड़ी यूनिट में चेंज करना है. तो हम क्या करेंगे, 10,000 से डिवाइड, बिकॉज 1 meter स्क्वेयर इज इक्वल टू 10,000 centimeter स्क्वेयर. उसके बाद अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ, क्या निकालेंगे हम, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर. पॉलिशिंग द फ्लोर और कॉस्ट क्या है, 1 meter स्क्वेयर पर पॉलिश करने की कॉस्ट क्या है, 4 rupees. तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ रुपीज 4 पर मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब एरिया कितना है हमारा, हमने इसको डिवाइड किया था 2025000 और इसके बाद हमने इसको डिवाइड किया था 10,000 से. ये हमारा मीटर स्क्वेयर में एरिया था, हमने इसको चेंज किया था, कैंसिल नहीं किया था, और मल्टीप्लाई बाय 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है. तो ये 3 zeros इससे कैंसिल हो जाएंगी एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 2 5s are 10 एंड 4 5s are 20 एंड उसके बाद 0 and 5 5s are 25. अब यहाँ पर इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 2s are 4 और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2s are 10 and 4 2s are 8. तो यहाँ पर हमारे पास ये 810 क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ रुपीज 4 meter स्क्वेयर, एट द रेट ऑफ रुपीज 4 पर मीटर स्क्वेयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रापीजियम शेप फील्ड, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड. इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel
साइड इज 100 meter देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर. सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत है इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझने की. मोहन वॉन्ट्स टू बाई ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड. मोहन एक ट्रेपेजियम शेप खेत खरीदना चाहता है. इफ इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड. इसकी जो दो साइड्स हैं, एक साइड रोड के साथ जा रही है और एक साइड रिवर के साथ जा रही है. तो इफ इट्स साइड अलोंग द रिवर, जो इसकी रिवर के साथ की साइड है, इज पैरेलल टू इस रोड के साथ वाली साइड के पैरेलल है एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड. दो कंडीशंस हैं कि जो रिवर के साथ साइड जा रही है ट्रेपेजियम शेप फील्ड की, वो रोड के साथ वाली साइड का डबल है और उसके पैरेलल है. अब हमें नहीं पता कि ये कितनी है. हमें ये पता है कि रिवर के साथ की जो साइड है वो रोड के साथ वाली साइड से डबल है, बट हमें रोड के साथ वाली साइड तो पता नहीं है. तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब हमें एक चीज़ पता होती है लेकिन दूसरी से रिलेटेड होती है वो, और दूसरी हमें पता नहीं होती, तो जो हमें पता नहीं होती वो हम सपोज कर लेते हैं. तो इसको हम सपोज करेंगे, लेकिन हम इसको पहले आगे पढ़ते हैं. इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज, और हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ द फील्ड एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 100 meter. दो पैरेलल साइड्स, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, जो रोड के साथ जा रही है और रिवर के साथ. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 meter. बीच की डिस्टेंस जो, उसको हम हाइट की फॉर्म में ले सकते हैं, बिकॉज ये ट्रेपेजियम है तो जो डिस्टेंस है इसको हम हाइट में फार्मूला में इसको हाइट की जगह पर लेंगे. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर. हमें रिवर के साथ की जो साइड जा रही है उसकी लेंथ निकालनी है. अब हमें ये पता है कि ये इस साइड की लेंथ इसका ट्वाइस है, लेकिन ये नहीं पता. तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं और जो नहीं गिवन है उसको हम सपोज कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें गिवन क्या है. वी हैव गिवन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड. ट्रेपेजियम शेप फील्ड इज इक्वल टू हाउ मच, 10,500 meter square. ये गिवन है. और साथ में हमें ये गिवन है कि जो ये रोड के साथ वाली साइड है वो रिवर के साथ वाली साइड का ट्वाइस है. तो हम ये मान लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग रोड इज एक्स. ये हम एक्स सपोज कर लेते हैं, एक्स मीटर सपोज कर लेते हैं, क्योंकि एरिया हमें मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है. एक्स मीटर, ये एक्स मीटर है. अगर ये एक्स मीटर है तो रिवर के साथ वाली साइड क्या होगी, ये रिवर के साथ वाली साइड है, ये रोड के साथ वाली साइड है. तो यहाँ पर अब रिवर के साथ वाली साइड की जो लेंथ है वो क्या होगी, देयर फोर लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, वो क्या है, रोड के साथ वाली साइड का डबल है और रोड के साथ वाली साइड को हमने एक्सपोज किया है एक्स मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, 2x. अब हमें ये बेसिस भी पता चल गए ट्रेपेजियम शेप फील्ड के, क्योंकि जो पैरेलल साइड होती है उनको बेसिस ऑफ ट्रेपेजियम बोलते हैं. तो ये बेस एक्स है और ये बेस, दो बेसिस होते हैं B1 एंड B2, बेस वन एंड बेस टू. तो फर्स्ट बेस एक्स है, सेकेंड बेस जो है वो 2x है. हाइट हम किसको लेंगे, जो इन दोनों रोड्स के बीच, दोनों साइड्स के बीच की डिस्टेंस है उसको हम क्या लेंगे, हाइट. तो ये कितनी है, 100 meter. दिस इज 100 meter. तो हमें एरिया भी गिवन है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है. अब अगर हमें एरिया गिवन है तो हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम शेप फील्ड लिख सकते हो, या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दैट इज 1/2 × base 1 + base 2 इंटू हाइट. नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन, कितना गिवन है हमें, 10,500. इसको हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह रख दिया, इक्वल टू 1/2 × base 1. व्हाट इज बेस वन, बेस वन क्या है, यहाँ पर ये हमने एक्सपोज किया था, ये 2x है, तो बेस वन एक्स है प्लस बेस टू कितना, 2x मल्टीप्लाई हाइट. हाइट में जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम हाइट में ले रहे हैं, 100 meter. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 10,500 = 1/2. अब ये 2 से हम इसको कैंसिल कर दें, अगर 50 आ जाएगा तो x प्लस 2x कितना हो गया, 3x, 3x मल्टीप्लाई 50 कितना हो गया, 150x.
क्या किया हमने, टू से इसको कैंसिल किया 50 पर, और इनटू ये जो ब्रैकेट में है एक्स प्लस थ्री एक्स, ये 3x हो गया, 3x मल्टीप्लाई 50 दैट इज़ 150x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 10,500 अपॉन 150, इससे इसको कैंसिल किया और 15 ones are 15, 15 sevens are 105, और ये जीरो साथ में है, सो x इज इक्वल टू 70 meter। दैट मीन्स जो रोड के साथ साइड जा रही है वो कितने सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, दैट इज 70 meter। तो द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग रिवर कितनी होगी, लॉन्ग रिवर दैट इज इक्वल टू 2x, और 2x दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू हमने 70 निकाली है, एंड दिस इज इक्वल टू 140 और साथ में मीटर। सो जो लेंथ जो साइड ट्रेपेजियम की रिवर के साथ जा रही थी उसकी लेंथ कितनी थी, 2x, और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 70, तो उसकी साइड कितनी होगी, उसका डबल दैट इज 140। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर एक फिगर गिवन है जो कि ऑक्टागन शेप में है, और ऑक्टागन किस टाइप का है, रेगुलर। व्हाट इज मीन्ड बाय रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन क्या होता है, जिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज ऑक्टागन। ऑक्टागन इज अ क्लोज्ड पॉलीगन हैविंग 8 साइड, और रेगुलर ऑक्टागन हैविंग 8 इक्वल साइड्स। 8 साइड है तो उसमें इक्वल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, बट अगर यहाँ पर वर्ड रेगुलर लग गया तो उसका मतलब क्या है कि ऑक्टागन इज हैविंग ऑल द 8 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो यहाँ पर एक ऑक्टागन है और हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस। जो ऑक्टागन है उसका एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, अब हमें ऑक्टागन के शेप का तो एरिया पता नहीं है, तो हम इसका अल्टरनेटिव किस तरह से निकालते हैं। हमें ये गिवन है कि ये जो हाइट है ये 4, यहाँ एक लाइन ड्रॉ की हुई है और यहाँ पर ये 4 meter इसकी हाइट है, और ये वाली साइड जो है 5 है, दैट मीन्स 5 है अगर ये साइड, तो ऑल द 8 साइड्स आर 5 meter। ये 5, ये 5, ये 5, ये सारे 5 meter, और ये जो बेस बीच में ड्रॉ किया हुआ है दिस इज़ 11 meter। हमें इन चीज़ों को यूज़ करके इस ऑक्टागन का एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सो लेट अस ड्रॉ द फिगर फर्स्टली एंड देन अंडरस्टैंड कि हम इसको कैसे निकालेंगे। वी आर हैविंग एन ऑक्टागनल शेप, और ये ऑक्टागन क्या है, दिस इज रेगुलर ऑक्टागन। ये एक रेगुलर ऑक्टागन है, जहाँ पर इसके कॉर्नर्स हैं वहाँ पर ये साइड ख़त्म होती है और दूसरी शुरू होती है, और यहाँ पर एक लाइन प्लॉट की ड्रॉ की हुई है, एंड दिस इज़ हैविंग लेंथ 11 meter, और एक यहाँ पर हाइट है दिस इज 4 meter। इस डायमेंशन इन डायमेंशंस का यूज़ करके, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 5 meter, तो इन डायमेंशंस का यूज़ करके हमें इस पूरे ऑक्टागन शेप का एरिया निकालना है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर जब भी हमें ये लगे कि हम कंस्ट्रक्शन करके हम कुछ ऐसा बना सकें कि जिसका हमें फार्मूला पता हो, तो हम फिर उन सब का एरिया निकाल कर, जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे जो भी शेप्स आएंगे उन सब का एरिया निकाल कर उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर ऑक्टागन, तो हम अगर इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन करें तो ये लाइन बिल्कुल इसके, क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल हैं, जब ये दो साइड्स इक्वल हैं, क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये साइड्स ऑफ ऑक्टागन है और ऑक्टागन रेगुलर है, तो ये सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो ये दो साइड भी इक्वल होंगी। अगर ये दो साइड इक्वल है तो जब हम इनके ऊपर की डिस्टेंस को ज्वाइन करेंगे तो नीचे वाली डिस्टेंस भी सेम ही होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल लेंथ की साइड्स हैं। और यहाँ पर अगर ये 11 है तो हम अपनी मर्जी से एक लाइन जो यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, दैट मीन्स वो भी क्या होगी, 11 meter। अब ये जो फिगर है ये 3 parts में डिवाइड हो गया है, दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ part 2 एंड दिस इज़ part 3। तो हम अगर इस ऑक्टागन का एरिया 3 parts में निकालें और उन तीनों पार्ट्स को ऐड कर दें, तो वी कैन हैव द एरिया ऑफ द ऑक्टागन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये शेप क्या है, दिस इज़ द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम, ये वाला।
पार्ट वन जो है दैट इज द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम, अगर ये 11 है और ये साइड 5 है, अगर हमें ये हाइट भी पता है, ये 4 है, ये बेस मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। और ये बेस भी हमारे पास है, कैसे, क्योंकि ये सारी साइड्स 5 5 हैं, ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 5 5 एंड 5, तो इसका मतलब यहाँ हमें दो बेसिस मिल गए ट्रेपेजियम के। पार्ट वन जो है ट्रेपेजियम है, पार्ट थ्री भी ट्रेपेजियम है। अब अगर हम पार्ट वन का एरिया निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा के, क्योंकि बेस वन भी है, बेस टू भी है, हाइट भी है, तो एरिया निकाल लें, तो ये जो पार्ट है थर्ड पार्ट, ये भी ट्रेपेजियम है, तो इसका एरिया बिल्कुल इसके इक्वल होगा। उसके बाद बचा ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या है, रेक्टेंगुलर पार्ट है। अब रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ, इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 11 और इस रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी है 5, तो इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ऑक्टागन क्या होगा, एरिया ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट वन, एरिया ऑफ पार्ट वन ट्रेपेजियम लिख लेते हैं, ट्रेपेजियम ब्रैकेट में लिखते हैं पार्ट वन प्लस एरिया ऑफ पार्ट कौन सा, रेक्टेंगुलर पार्ट है ये, रेक्टेंगल ये कौन सा पार्ट है, एरिया ऑफ पार्ट यहां लिखेंगे 2। उसके बाद एरिया ऑफ पार्ट 3, पार्ट 3 क्या है, फिर से ट्रेपेजियम है और सेम कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम है, तो ये जो है हम इन तीनों का एरिया प्लस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 ये रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ पार्ट 3 ट्रेपेजियम, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ ऑक्टागनल शेप का एरिया मिल जाएगा, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन रेगुलर ऑक्टागन है, तो इसका जो पार्ट 1 है वो पार्ट 3 के एरिया के इक्वल होगा। तो पहले हम एरिया ऑफ पार्ट 1 निकालते हैं, एरिया ऑफ पार्ट 1 दैट इज ट्रेपेजियम क्या होगा, बेस इन 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 बेस 1, इसका बेस 1 क्या है 11, बेस 1 क्या है 5 प्लस बेस 2 कितना है 11 मीटर। एंड व्हाट इज हाइट, हाइट हम इसको लेंगे जो हमें ऑलरेडी गिवन है 4, सो वी हैव टू सॉल्व दिस टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम पार्ट 1, 5 प्लस 11 दैट इज 16 मल्टीप्लाई ये वाला 4, 2 टू ज़ा 4, 16 टू ज़ा 32 मीटर स्क्वेयर इज़ द एरिया ऑफ पार्ट 1 एंड सेम इज़ एरिया ऑफ पार्ट 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ पार्ट 3 इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 1, एरिया ऑफ पार्ट 1 इक्वल टू 32 मीटर स्क्वेयर, जो पार्ट 3 है और पार्ट 1 है उन दोनों का एरिया 32 आ गया हमारे पास। उसके बाद फिर हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज पार्ट 2, एरिया ऑफ पार्ट 2 पार्ट 2 क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है, यहाँ हमने जो फिगर ड्रॉ किया है उसको अगर हम देखें तो दिस इज रेक्टेंगुलर शेप और इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 11 और ब्रेथ कितनी है 5, सो एरिया ऑफ पार्ट 2 इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं रेक्टेंगल दिस इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ और लेंथ कितनी है 11 मीटर, व्हाट इज ब्रेथ, ब्रेथ इज 5 मीटर दैट इज 55 मीटर स्क्वेयर। नाउ एरिया ऑफ ऑक्टागन रेगुलर ऑक्टागन, एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन ये हमने ऑलरेडी इसका फॉर्मूला लिखा कि ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर 1 लिख दें अगर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन फ्रॉम पार्ट वन, तो उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, एरिया ऑफ पार्ट 1 क्या है, एरिया ऑफ पार्ट 1 इज 32 मीटर स्क्वेयर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है दैट इज 55 मीटर स्क्वेयर प्लस एरिया ऑफ पार्ट 3 जो है वो एरिया ऑफ पार्ट 1 के इक्वल है दैट इज 32 मीटर स्क्वेयर। तो
तो यहाँ पर अब हमारे पास इन दोनों इन तीनों को ऐड करके एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन आ जाएगा. नाउ वी ऐड दिस थ्री 32, 32 एंड 55 9 एंड 11 दैट इज 109 मीटर स्क्वेयर इज द एरिया ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन. तो इस तरह से अगर हमें कोई भी पेंटागन हेक्सागन या जो भी है हम उसको कई पार्ट्स में डिवाइड करके अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेकिन हमें ये देखना होगा कि कंस्ट्रक्शन हम उस टाइप की करेंगे जिसमें हमें जो डायमेंशंस हैं जो हमें डायमेंशन गिवन है वही डायमेंशंस यूज़ हों. जैसे अब यहाँ पर ये हमें लाइन ड्रॉ करके दी हुई थी, तो ये लाइन हमने अपने आप इसलिए ड्रॉ की क्योंकि ये 11 है, तो ये भी 11 होगी. बिकॉज क्यों 11 होगी, बिकॉज रेगुलर हेक्सागन है तो इन दोनों पार्ट्स के बीच की डिस्टेंस सेम होगी क्योंकि ये भी इतनी साइड लेंथ की है और ये भी उतनी ही साइड उतनी लेंथ की साइड है, तो इसलिए हमने ये ड्रॉ किया. जैसे हमें ये आइडिया हो गया कि इसका भी एरिया हम निकाल पाएंगे बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो इस तरह से हम किसी भी फिगर को पार्ट्स में डिवाइड करके